ये जब जब पी और आई होता है सोशल मीडिया में यूट्यूब पे फेसबुक पे बस जंग छिड़ी होती है फैंस के बीच में उधर वाले आ, हमारी आई ये है आपकी पी ये है दूसरी मार्केट बहुत बढ़िया इकोनॉमी ना एक तो ऑडियंस भी एक अरब तीस पैंतीस करोड़ और हमारी बाईस तेईस करोड़ और दूसरा पैसा ये जब दोनों चीजें बीच में मिलती हैं ना पैसा ऑडियंस hmm. तो फिर उसकी सक्सेस गारंटी हो जाती है एक सौ पंद्रह से बीस करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टर आईपीएल का एक मैच दिखाने का देता है बीसीसीआई BCC, को hmm. जो कि फुटबॉल का जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच है उसको सर पास कर गई है hmm. सिर्फ अब आगे रह गया है वो एनएफएल कि इंडिया आजकल स्ट्रगल कर रहा है इंटर आई सी सी इवेंट्स में hmm. आठ दस साल हो गए नहीं जीते तो लोग वहाँ पे बड़े नाराज और परेशान हैं अपनी टीम से hmm. कि इतनी बेस्ट फैसिलिटीज़ और बेस्ट लीग होने के बावजूद क्यों नहीं जीत पा रहे देखिए मुझे लगता है हमें फिर भी जाना चाहिए hmm. क्योंकि ये है एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल hmm. वो है आई का इवेंट hmm. वर्ल्ड कप पूरी दुनिया की टीमें आएंगी उसमें

ओपिनियंस जो पहले होते थे ना हैड टू बी एक्स क्रिकेटर्स और इन फुटबॉल एक्स फुटबॉलर्स पंडिट्स जो होते थे और एनलिस्ट जो होते थे वो पहले कोई प्रोफेशनल गेम खेलते थे उसके बाद रिटायर होकर कॉमेड्री में जाते थे अब आप देख रहे जैसे मैं आपको फुटबॉल का मिसाल दे रहा था आर्सल फैन टी वी है मैसिव चैनल मैसिव वेट उस चैनल का है देर फैंस hmm. उनका कोई प्रोफेशनल करियर uh, नहीं है लेकिन उनकी ओपिनियंस अच्छी हैं और मैं सुनना चाहता हूँ उसी तरीके से हम क्रिकेट में भी अभी ऐसे ऐसे आप एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है बहुत सारे और हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल नहीं खेला राइट आई थिंक क्रिकेट में अभी हम यही बात कर रहे थे शायद हर्षा बोगले वॉज द फर्स्ट uh, इंडिया से बहुत मशहूर है आ, उन्होंने नहीं खेली आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बट ही इज अमेजिंग अमेजिंग आपको कैसे लगता है कि ये फ्यूचर यही है कि अगर एक बंदे का एक एनालिटिकल माइंड है और उसकी वो बोलता है और एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करता है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट या उसके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं यही, यही चाहिए यही चाहिए बात कर रहे हैं लोगों को आपकी बात सुनने में मज़ा आ रहा है इन्जॉय कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग सेंस तो यही चाहिए ये यह बजाय इसके कि एक नथिंग अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन कोई क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेला हुआ दस साल बारह साल पंद्रह साल लेकिन वो अपना पॉइंट उतने अच्छे तरीके से उसके बावजूद भी खेलने के बावजूद भी कन्वे नहीं कर पा रहा तो एक ऐसा शख्स जो नहीं खेला हुआ और अच्छे तरीके से कन्वे कर रहा है अपना मैसेज तो लोग तो उसको सुनना चाहेंगे अब ये प्रोफेशनल क्रिकेट क्रिकेट तो हो नहीं रही वो तो मैदान में जो होगी होगी उसको एक्सप्लेन कैसे करना तो ऑब्वियसली जो अच्छा एक्सप्लेन करेगा आप उसी को सुनेंगे बिल्कुल क्योंकि ये दो डिफरेंट आर्ट्स हैं बिल्कुल उसी कोचिंग है कोचिंग है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अब गारंटी नहीं है कि जो बहुत बड़ा कोई बैट्समैन है तो बहुत अच्छा कोच भी रहेगा रहा होगा बिल्कुल या होगा काफी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो नाम है क्रिकेट में वो कोचिंग में आए हैं तो कुछ खास नहीं कर पाए वकार वकारी देख लें पाकिस्तान के जब जब भी वो कोचिंग में आते हैं माशाल्लाह टीम हमारी और ज़्यादा पीछे चली जाती है अब वो लेजेंड्री बॉलर है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन कोचिंग एक अलहदा काम है उसके अगर चार लेवल बनाए हैं कोचिंग के तो वो किसी मकसद के लिए बनाए हैं और वो चार लेवल करने के बाद आप काफ़ी कुछ नया सीख के आते हैं ऐसी है कि अगर एक पीएचडी Uh, की हुई है इंसान ने और वो पढ़ा रहा है लेकिन उसको इतना पढ़ाने का आर्ट नहीं आता और एक जो उसने मास्टर्स किया हुआ है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वे कर सकता है तो ज़ाहिर है कि वही बेहतर है गेम के लिए इनफैक्ट मुझे कभी कभी लगता है जो बहुत बड़ा क्रिकेटर होता है ना ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन होता है या आप हाँ। फुटबॉल में भी देख क्रिकेट हर स्पोर्ट में देखते हैं मसला उनका ये अक्सर आता है कि उनसे ये चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं होती और उनको ना जो चीज़ें सिंपल अब वक़ार यूनिट शायद अगर को बॉलर को कुछ समझा रहा है उसके लिए तो सिंपल है ना कि वो इतनी स्विंग कर लेता है बॉल शायद एक बॉलर से नहीं हो अब आ, वो नहीं देखें उसमें कोचिंग के लेवल में ऐसा है ना कि अब एक स्टार खिलाड़ी रहा है अपने जमाने का कहीं ना कहीं वो स्टारडम से निक, निकल के नहीं आते बाहर अब जो आजकल के बच्चे हैं वो स्टार हैं मतलब कोई अगर आपकी बात कोई नहीं थोड़ा सुन रहा या थोड़ा अलहदा पॉइंट्स हमने रख रहा है तो आप बोलेंगे नहीं मैंने कह दिया तो कह दिया तो ऐसे ही होना है तो यही होना है और फिर अगर जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ आपने अगर उसी तरह ही वो रहेंगे कि भाई अगर ये नहीं किया तो मैं करियर ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा और आगे फिर काम नहीं चलता मिल के काम करना होता है और ये चार लेवल जो हैं ये बताते हैं और समझाते हैं कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है प्लेयर्स को कॉन्फिडें कॉन्फिडेंस कैसे देना है अब मैं इसमें यह बात कहना चाहूँगा कि इस लेवल पे आप बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते आप अगर कोच कोई है जिसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई

उस पर हम बात करते हैं और ये जब जब पी और आई होता है सोशल मीडिया में यूट्यूब पे फेसबुक पे बस जंग छिड़ी होती है फैंस के बीच में उधर वाले हमारी आई ये है आपकी पी ये है वैसे अगर कोई बैट्समैन यहाँ पे आके चौके छक्के मार रहा होता है तो वो कहते हैं कि देखें आपकी जो लीग है वहाँ पे ये बैट्समैन कामयाब था हमारे पास आया तो नाकाम है फॉर एग्जांपल आजकल वो ब्रुक अभी उसने सौ किया कल परसों वैसे पहले उसको छेड़ रहे थे सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को के देखो जी ब्रुक वहाँ पे तो तुम लोगों को सेंचरियाँ मार रहा था हमारी बॉलिंग तगड़ी है कि वो यहाँ पे नहीं तो हर लेवल पे जरा थोड़ा सा बैंटरी तो चलता है चलता रहता है देखें एक तो वो 2008 में शुरू हुई आई पी हमारी पी शुरू हुई दो में इसका एडवांटेज छः सात सात आठ साल का ये एडवांटेज पहले जो शुरू हुआ और अभी दूसरी मार्केट बहुत बढ़ी है इकॉनमी इकोनॉमी मार्केट ऑब्वियसली एक तो ऑडियंस भी एक अरब तीस पैंतीस करोड़ और हमारी बाईस तेईस करोड़ और दूसरा पैसा ये जब दोनों चीज़ें बीच में मिलती हैं ना पैसा ऑडियंस तो फिर उसकी सक्सेस गारंटी हो जाती है बिल्कुल जिस तरह अगर आप देखिए ना अमेरिकन स्पोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ अमेरिका में देखे जाए एन बी मतलब इज़ इन अमेरिका बेसबॉल तो सिर्फ अमेरिका में आई डोंट नो जापान तो शायद हाँ। देखते हैं लेकिन क्योंकि वो मार्केट एक तो बड़ी दूसरों का पैसा तो वो स्पोर्ट्स एथलीट्स का है? सारे Absolutely. अमेरिका में। है। तो अब देखिए पैसा और ऑडियंस जब आपस में मिल जाएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको चैलेंज करना शुरू भी पहले हुई थी दूसरा बहुत मैसिव हल्का से भी नहीं बहुत मैसिव एडवांटेज है बहुत आगे है वो हमसे अब हमारी उनकी अभी दो टीमें और बढ़ी हैं पिछले साल आई में अब टोटल दस टीमें हैं हमारी छः टीमें हैं अभी यहाँ पे पी में जो दो टीमें इजा, इजाफी उन्होंने बी ने बेची हैं एक टीम साढ़े सात हज़ार करोड़ इंडियन रुपीस में बिकी है और दूसरी भी साढ़े पाँच के आसपास 1.6 बिलियन डॉलर की दो टीमें बिकी हैं और यहाँ पे और मीडिया राइट्स की अगर बात करें <laughs> चार पाँच साल के जो 2023 से 2027 तक मीडिया राइट्स बिके हैं अब आईपीएल बन गई है ना सिर्फ क्रिकेट के नहीं दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव दूसरे नंबर पे ब्रॉडकास्टिंग डील हुई है ई पी इंग्लिश इंग, प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ दिया अच्छा इंग्लिश प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ दिया और एन जो अमेरिका की है वो जो फुटबॉल बोलते हैं वो जो भाग गए वो रगबी साहब वो अभी भी पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे आ गई आईपीएल। पी सिक्स पॉइंट टू थ्री बिलियन डॉलर की डील हुई है चार पांच साल की हमारी पच्चीस मिलियन डॉलर की hmm. हमारी डील पच्चीस मिलियन डॉलर की जो ब्रॉडकास्टर देता है इनको मैच दिखाने के लिए hmm. अब खुद से देख लीजिए पच्चीस मिलियन का तीस मिलियन का बिल्कुल और सिक्स पॉइंट टू थ्री बिलियन का इसका क्या मतलब है के तकरीबन 115 से 20 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टर आईपीएल का एक मैच दिखाने का देता है बीसीसीआई बीसी को जो कि फुटबॉल का जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच है उसको सर पास कर गई है सिर्फ अब आगे रह गया है वो एनएफएल तो हम तो वो बहुत आगे की बात है दूसरी छोटी छोटी और भी बातें हैं जब पैसा ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी वो कई एंगल से वो कैमरेज लगा के मैच दिखा रहे हैं और इनोवेशन कर रहे हैं अब यहाँ पे अब पिंडी में मैच हो रहा है मुसलसल एक ही दस दिन पिंडी में मैच है दस दिन लाहौर में मैच हैं कराची में मैच है वहाँ पर ग्राउंड बहुत ज़्यादा हैं होम एंड अवे का एडवांटेज है अब पिशावर की टीम पेशावर में नहीं खेल रही कोयटा की टीम कोयटा में नहीं खेल रही वहाँ पर होम और अवे का अब कोविड में नहीं था अभी दोबारा शुरू हो गया जिस मैदान में जाओ मतलब होम टीम को सपोर्ट करने के लिए आ रही है टीम और ये एक्साइटिंग भी हो जाता है कि होम और बाकी अभी वहाँ पे आठ दस जुबानों में कमेंट्री हो रही है यहाँ पे ये वाली सिलसिला नहीं है फिर वहाँ पे जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो आते हैं फॉर एग्जांपल अभी मैंने ब्रुक का नाम लिया पाकिस्तान में उसको आप पच्चीस हज़ार या तीस हज़ार डॉलर में खिला रहे थे वहाँ पे वो दस लाख डॉलर में अभी इस दफ़ा खेल रहा है तो कितना फ़र्क है अभी बीस अठारह बीस खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद थे पी में जो खेल रहे थे वो अब आई भी खेल रहे हैं सिर्फ दो या तीन को छोड़ के पी जिसको ज़्यादा पैसे दे रहा था बाकी सबको ही वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो एक तो क्रीम खेलती है वहाँ पे जो कि बेस्ट इन द बिज़नेस है हर टीम में वो खिलाड़ी मौजूद होते हैं अब रियलिस्टिक बात करनी चाहिए कुछ ना कुछ जो हमारे पास भी आ जाते हैं लेकिन बहुत कम तादाद है वरना जो अपने करियर के एंड पे होते हैं या रिटायर हो चुके होते हैं होने वाले होते हैं मोस्टली वो आते हैं लेकिन जो करंट खेल रहे होते हैं वो उनकी तादाद ज़रा थोड़ी कम है तो ये सारी अब आपको मैंने पूरा पिक्चर सामने आपके रख दी कि ये ये है सीनेरियो और फ़र्क है बहुत ज़्यादा आई दुनिया की नंबर वन लीग है क्रिकेट की जब हम बात करें पाकिस्तान का यह है कि इनको बेहतर कुछ करना पड़ेगा एक तो ये ड्राफ्टिंग सिस्टम है इसको चेंज करें एक ही बाटा रेट रखा हुआ कि यह प्लेयर दो लाख का है तो इसके ऊपर की कैटेगरी का नहीं है वहां पे ऑक्शन है कि अगर तीन चार टीमों को एक वही प्लेयर चाहिए तो उनके आपस में बीच में ऑक्शन होती है इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़ अब सैम करन अठारह उन्नीस करोड़ का गया इंडिया का इंडिया के अठारह उन्नीस करोड़ का और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो गया हालांकि और ये अब यहाँ पे होता तो एक ही कैटेगरी में था एक लाख और सत्तर हज़ार या दो लाख के करीब ये डॉलर देते हैं टॉप कैटेगरी वाले का पी एस एल जो है हाँ। तो वो बात कहाँ से कहाँ चली गई तो लोग लो फिर वहाँ प्रेफर करेंगे ना जहाँ पे चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको एडवांटेज मिले तो ये कुछ काम करने के बाद पी जितनी भी कोशिश करे करने के बाद पहले नंबर पे तो नहीं आ सकता आईपीएल से तो से ले तो लेकिन एटलीस्ट अभी भी जब बात होती है कि विच इज द सेकेंड बेस्ट लीग फिर भी वो साउथ अफ्रीका वाले में दोनों ने इस दफा करवाई है वो क्लेम कर रहा है जी हमारी है

ऑडियंस इंडिया के बाद पाकिस्तान के पास आबादी के लिहाज से क्रिकेट में जो क्रेज़ है पाकिस्तान दूसरे नंबर पर बिल्कुल तो अगर थोड़ा सा पैसा भी बीच में पम्प इन करें और क्रेज ऑलरेडी है तो हम एटलीस्ट दूसरे नंबर की बेस्ट लीग जो किसी के अगर आप कोई पूछे किसी से तो कोई एकदम से बोले जी पी है सेकंड बेस्ट मसला यह है कि अभी सेकंड बेस्ट में भी हर कोई क्लेम कर रहा है जी हम हैं नजम सिटी साहब हम कह रहे हैं हम हैं वो कह रहे हैं हमें ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं हमारी है तो ये कुछ करने के बाद एटलीस्ट हमें पोटेंशियल है कि दूसरे नंबर की बेस्ट लीग हम बन सकती हैं अभी आखिरी इसमें पॉइंट ये कि अभी भी हम सेकंड बेस्ट नंबर पे भी पैसे नहीं दे रहे दूसरी लीग अब साउथ अफ्रीका में है वो हमसे ज़्यादा पैसे दे रही है बिग बेस्ट लीग कॉन्ट्रैक्ट हमसे ज़्यादा दे रहे हैं जब वो पैसे भी हमसे ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर ये भी मसाइल हैं तो आप ज्यादा पैसे देंगे तो अच्छे खिलाड़ी आएंगे ना आपके पास बिल्कुल और आपकी मैं एक मैं और बात हाँ। अगर इसमें ऐड करूँ इट्स नॉट कि ये खत्म हो रहा है ना अब सऊदी अरेबिया लीग कर रही है रूमर्स है, आ, हैं अमेरिका की एक लीग है जो जो बन सकती है अभी हम कोई भी, 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 भी चैलेंज नहीं करेंगे देखिए पैसा तो होगा ना हमारा असल में दो तीन चीजें एक तो पैसा जिस तरह आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया दूसरा ये था ना कि पी की शुरुआत जो थी दुबई में थी आ, हम कभी वो होम फैंस वाला एटमोस्फेयर क्रिएट ही नहीं कर पाए क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह मैच पिंडी मैच लाहौर मुसलसल दस... कर देते हैं वो फिर लोग आते भी नहीं और आपको के मैं के। सिंपल मिसाल देखता हूँ ना पिशावर का मैच पेशावर में जिस दिन होने शुरू हो जाएगा ना तो वो एक डिफरेंट माहौल होगा मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा पिशा वाले लोग आएंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कोयटा वाले अपनी टीम को करना एक आर्ग्यू कर सकता है कोई पिशावर की फैन भी शायद सबसे मतलब

कुछ रोड्स पे बैनर्स लगे हों वो दो तीन दिन पहले लगाएंगे लोगों को पता भी नहीं चलता बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट में काम करें पैसा लगाएँ और मेन बात यह है कि अच्छे खिलाड़ी अपने आप में एक आ, अब यहाँ पे बटलर आके खेल रहा होगा फॉर एग्जांपल तो लोग देखने आएंगे बिल्कुल और बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं कोई रबाडा आएगा नोकिया आएगा खेलने के लिए या ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे तो अपने आप में एक मार्केटिंग है यार यार ये खेलने आ रहे हैं अगर वो भी नहीं कर रहे आप मतलब नहीं कर रहे कि बेस्ट पैसे नहीं दे रहे तो नहीं आ रहे तो एटलीस्ट कुछ लोगों को तो बताओ कोई रोड पे लगाओ कुछ बैनर्स लगाओ होर्डिंग लगाओ कुछ करो तो उधर भी कमी है और आपको लगता है कि मूविंग अवे फ्रॉम द एस एंड बैक टू द पी इज क्रिकेट ऑन द राइज मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या हम एक इमेजिन भी कर सकते हैं दुनिया जहाँ क्रिकेट कंपीट्स विद फुटबॉल अमेरिकन फुटबॉल Uh, इस तरह की मैसिव स्पोर्ट्स मतलब फुटबॉल uh, तो एक मतलब मल्टा बिलियन के ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होगी क्रिकेट ऑन द राइज है मसला सिर्फ ये कि क्रिकेट की जो फॉलोइंग है ज़्यादा वो हमारी इंडिया पाकिस्तान में इंडिया की तो चलो वेल्थ ऊपर जा रही है हमारी नॉट सो मच ऑस्ट्रेलिया में इट्स नॉट द मोस्ट वॉच स्पोर्ट इंग्लैंड में hmm. भी इट्स नॉट द मोस्ट वॉच स्पोर्ट बाकी वो कंट्री साउथ अफ्रीका नॉट अ वेरी बिग और भी स्पोर्ट्स बिल्कुल बिल्कुल तो आपको क्या लगता है कि <clears throat> क्रिकेट उस तरह मतलब कैन आई पी एल बिकम लाइक द इंग्लिश प्रीमियर लीग कैन आई पी एल लाइक आपको क्या लगता है देखिये जहाँ तक ब्रॉडकास्टिंग राइट किया वो तो फिर उसने पीछे छोड़ दिया बिल्कुल, उसको बिल्कुल और बाकी आ, क्रिकेट और फुटबॉल या बाकी स्पोर्ट्स की बात अब बात करें इसमें अब चूंकि बहुत ज्यादा कंट्रीज में नहीं खेली जाती प्लेयर्स भी लिमिटेड हैं सिर्फ इंडियन प्लेयर्स उन्होंने अपनी एक एक्सक्लूसिवनेस जो है उसको मेंटेन किया हुआ कि जो उनके प्लेयर्स हैं सेंट्रली कॉन्टैक्टेड प्लेयर्स वो उनको अलाउ नहीं करते वो कोई और लीग नहीं खेलते लेकिन बाकी जो प्लेयर्स है, है, तो है, हैं अब वेस्ट इंडीज वाले वही पी एस एल में खेल रहे हैं वही सी पी एल में खेलते हैं लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं है एक प्लेयर है तो ऑलमोस्ट वो पाँच छः महीने या पूरा साल उसी के साथ उसी खेल ऐसा नहीं है कि दो महीने इधर से खेलेगा दो महीने उधर से दो महीने से वो छः छः आठ आठ महीने चलती रहती है लीग्स तो यहाँ पे आ, उतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जैसे आपने बताया और जिन कंट्रीज़ में खेली भी जा रही है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वहाँ पर फर्स्ट चॉइस या क्रेज़ी किस्म का जो जुनून है क्रिकेट के लिए बाकी स्पोर्ट्स नीचे हैं लेकिन बाकी कंट्रीज़ के जिन्होंने आपने नाम लिया उनके पास और भी बड़े ऑप्शन हैं तो फुटबॉल को तो शायद नहीं कम्पीट कर पाएगा पॉसिबल नहीं है और क्योंकि इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं है ना पूरी दुनिया में आप फुटबॉल के साथ तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि पूरी दुनिया ही खेलती है फुटबॉल ये तो गिनती की अगर आप पूछें तो आठ से दस कंट्रीज़ जो अच्छा कंपीट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ वरना तो क्रिकेट में यही हैं वो जो हम बानवे में, में वर्ल्ड कप जीते थे तो वही आठ टीमें या नौ टीमें या दस टीमें कभी कोई बीच में 2003 में वो कीनिया कहीं सरप्राइज़ करके आ गई थी सेमीफाइनल में वरना इतना ज़्यादा है नहीं लेकिन लीग क्रिकेट हाँ उसमें है पोटेंशल वो आगे बढ़ेगा और भी ग्रो करेगा और आ, जैसे अभी आपने सऊद सौध, सऊदी अरबिया की बात की कि वो भी कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा पैसा डालेंगे और बड़ी लीग करवाएंगे तो वो ठीक है हो जाएगी लेकिन दोनों चीज़ें थी अभी हम जब बात कर रहे थे कि दो चीज़ें हैं पैसा भी और साथ में ऑडियंस भी बिल्कुल तो आप फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने वो खरीद लिया उसको रोनाल्डो को अल अल नसर नसर बिल्कुल तो उसके खरीदने के बाद एक बड़ा एक्सपेंसिव प्लेयर खरीद लिया और वो इंग्लिश प्रीमियर लीग से बेहतर तो नहीं होगी उनकी लीग बिल्कुल तो इसी तरह अगर वो लीग करवा लेते हैं बहुत ज़्यादा पैसे दे के जब तक कि इंडियन प्लेयर्स नहीं अलाउड होंगे बी सी सी आई अलाउड नहीं करेगा तब तक कोई भी लीग आईपीएल को कम्पीट नहीं कर सकती चाहे आप कितने भी पैसे थे उनके थे। पास वो पासिव क्योंकि आप पैसा तो डाल रहे हो ऑडियंस का इंटरेस्ट तब आएगा कि जब जहां से ऑडियंस हानि है उनके प्लेयर्स जब आके खेलेंगे जब वही खेल नहीं आके खेलेंगे तो आप जितना भी पैसा दें तो कामयाब वो काम नहीं होगा बिल्कुल तो अब अगर वो वैसे देखो कोई बातचीत उनकी चले बट आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करेंगे बी वाले अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अपनी एक प्रोडक्ट है जो कि ईपीएल को पीछे एक और, आ, लेता हूं। मुझे एक बात लगती है लोग कहते हैं कि यार क्रिकेट जो है ना और, और और ये बात भी सही है कि टी ट्वेंटी ने आके बहुत ज्यादा क्रिकेट को वापस उठाया जो कैजुअल्स जिसे कहते हैं एक तो हार्डकोर फैंस हैं वो तो टेस्ट क्रिकेट देखते हैं वन डे क्रिकेट देखते हैं तो हर किस्म का क्रिकेट देखते हैं लेकिन जो कैजुअल फैंस थे वो टी ट्वेंटी से वापस आए थे बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन मेरा ये ख्याल है एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड आप अपना ओपिनियन दें मुझे मुझे लगता है फ्रेंचाइज क्रिकेट आई पी एल के बाद जितनी और लीग बनी हाँ। फ्रेंचाइज क्रिकेट ना माइट हैव सेव्ड क्रिकेट और उसकी वजह बताता हूँ मेरा मेरा ये ख्याल है जब फ्रेंचाइज क्रिकेट आई ना तो पहली दफा ऐसे हुआ कि हम यू नो आई डोंट नो एबी बी डी विलियर्स ऑफ विराट कोहली के साथ देख रहे हैं या हम आई डोंट नो बाबर आजम मतलब वी कुड सी फिर ऐसा कि को करा रहा है। अब ये मैं पहले तो कभी नहीं देख सकता था ना कोई जब मैं बच्चा होता था तो वो एक होते थे और वो इतना एंजॉय करते थे वो पहली मैचेसिंग ऐसे होता था कि सचिन और इंजम साथ बैटिंग कर रहे हैं और यू नो ब्रेटली और शेन बॉन्ड साथ बॉलिंग करा रहे हैं। अब वो नहीं होता राइट सो मेरा ये झाती ख्याल है और आ, मैं आपसे ओपिनियन लेना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि फ्रे, फ्रेंचाइज क्रिकेट का क्या रोल था क्रिकेट को रिजुविनेट करने में देखिए जिस जमाने की आपने बात की ना हम बड़ा इन्जॉय किया करते थे वो एशिया एलेवन और वो सब अब ऐसा है नहीं क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है बात है पैसे की और आ, ना ही टाइम है टीमों के पास शेड्यूल बड़ा टफ़ होता है अगर आपको याद हो पहले टेस्ट मैच की सीरीज़ होती थी दो दो तीन तीन, तीन तीन प्रैक्टिस मैच खेलते थे पहले तीन तीन चार चार दिन के जी प्रैक्टिस मैच है अब टीम उतरती है दो दिन के बाद टेस्ट मैच होता है और वो शेड्यूल ही बड़ा टफ है क्योंकि लीग क्रिकेट ने यहाँ पे लीग खत्म हुई दूसरी लीग स्टार्ट तीसरी लीग स्टार्ट और वो टाइम नहीं है लोगों के पास बाकी इंटरेस्ट एब्सलूटली अब कहाँ पाँच दिन का एक टेस्ट मैच होता है फिर पूरे दिन का एक वन डे जिसको बोलते हैं पूरे दिन का अब अगर एक शख्स को आप बोलेंगे कि भाई ये क्रिकेट का मैच है ये देखना है और वो आपसे पूछे जी हाँ जी देखते हैं कितना टाइम है आठ नौ घंटे और जिसको शौक नहीं है तो वही बोलेगा भाई आप ही देखो मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो इन्होंने उसको कम करने के लिए आ, टी ट्वेंटी इंटरनेशनल का एक जो मैच है एक इनिंग्स तकरीबन डेढ़ घंटे में है कि जरा कम से कम करने के लिए डेढ़ घंटा और दस मिनट चेंज ओवर टाइम और यानी तीन घंटे दस मिनट के आसपास इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ फ्रेंचाइज़ की बात नहीं कर रहा फ्रेंचाइज़ में वो तो आजकल चार्ज से भी ऊपर निकल जाता है क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग के जमेले होते हैं वो चाहते हैं कि बढ़ता ही जाए बढ़ता जाए वो टी वी पर ऐड ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते जाएँ कभी स्ट्रैटिक टाइम ब्रेक और कभी ऐसी ब्रेक कभी वैसी ब्रेक तो वो बढ़ाना चाहते हैं टाइम लेकिन इंटरनेशनल में टाइम को कम किया गया और छक्के चौके वैसी फैसिनेट करते हैं जब बंदा देखता है वाह यार छक्के लग रहे हैं चौके लग रहे हैं तो वो टी ट्वेंटी में लोगों को ज़्यादा चौके छक्के देखने को मिले टेस्ट में तो खैर वो फेज़ ही नहीं आता वो तो खैर अलहदा उसका बिल्कुल हिसाब है वनडे में भी पचास ओवर है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था चौके छक्के लगते थे लेकिन एक लिमिटेड फेज़ में कि एंड के कुछ ओवर हैं तो अब तेज़ खेल रही है टीमें तो ये जो बीस ओवर की क्रिकेट है इसमें और सबसे बड़ी बात यह कि जो 2007 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया पाकिस्तान के दोनों मैच ही बड़े लाजवाब हुए बिल्कुल बिल्कुल और ये दोनों कंट्री से ही सबसे ज्यादा ऑडियंस आती बोल है। बॉल बॉल मैच जिसमें आउट पहला पहला वाला वाला था वो खैर हाँ, हाँ। हाँ। खैर हमारे से तो किसी से भी माशाल्लाह हाँ, नहीं लगा लगाने में एक भी नहीं लगा और तो बहरहाल मैच दोनों शानदार हुए तो उससे नया फॉर्मेट पहला पहला वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान की ऑडियंस मतलब सबसे ज्यादा जो देखती है तो मकबूल हो गया ये खेल तो एक तो टाइम भी कम हो गया तीन घंटे सवा तीन घंटे और अगर आप बीच में किसी को बोलेंगे बोलेंगे हाँ ठीक है यार इतना तो मैच देख लेंगे फॉर्मेट भी नया था और जो अच्छी बात हुई कि इंडिया पाकिस्तान के दोनों मैच अच्छे हुए और फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान का हुआ तो इस फॉर्मेट की मकबूलीत में बेपनाह इजाफ़ा हो गया कि जो दो बड़ी कंट्रीज़ हैं अब जाहिर है एक रिच हिस्ट्री है पाकिस्तान और इंडिया की और इंडिया आबादी के लिहाज से भी देखा जाए तो उनकी और हम दूसरे नंबर पर हम खड़े हुए हैं राइवली भी बहुत राइवली भी बहुत है।, है क्रिकेट के एक आ, पिछले कई दहाइयों से तो जब ये सब हो गया फिर बड़ा अच्छा मतलब आई पी एल उसके बाद जो शुरू हुआ सारा सिलसिला तो टी ट्वेंटी की वजह से क्रिकेट की फ़ैन बेस में तो इजाफा हुआ जो लोग नहीं भी देखते थे वो भी देखने लग गए हैं जो कि अच्छी बात है और लेकिन अब यह है कि अब क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली जो गेम है लीग्स बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं hmm. क्वालिटी उसमें नहीं है बाकी इसमें थोड़ी इन्वॉलमेंट आजकल वो बैटिंग वेबसाइट्स जो है hmm. वो, वो, भी, बिल्कुल? वो भी वो भी कहीं ना कहीं आधी तो वो करवा रही होती हैं जो छोटी मोटी जो इतनी hmm. वो नहीं होती hmm. तो अब ये बढ़ता ही जाएगा ये कम नहीं होगा ये बहुत बिलियन डॉलर इंडस्ट्री आगे बढ़ गई है वो दूसरी तरफ भी और ये लीग वाला भी तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है जो आपने सवाल किया कि टी क्रिकेट की वजह से फ़ैन बेस जो क्रिकेट की है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ और आपको लगता है कि ये जो बैटिंग कंपनीज <laughs> हैं दे आर प्लेंग अ पार्ट नेगेटिव तो एक हम सब डिस्कशन चल रही है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए लेकिन फ्रॉम अ फ्रेंचाइज क्रिकेट परस्पेक्टिव मैं अगर आपसे प्योर इकोनॉमिक हाँ, परसपेक्टिव बात करूँ देखें दुनिया में स्पोर्ट्स बैटिंग अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है इंग्लिश प्रीमियर लीग बड़ी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर शर्तें सबसे ज़्यादा लगती है ना कि यून क्लॉप एक फुटबॉल का मैनेजर है लिवरपूल का तो उससे पूछा कि जर्मनी और इंग्लैंड में फ़र्क क्या है लीग में ना कहते तुम तो लोग शर्तें ज़्यादा लगाते हो तो इसलिए मतलब बड़ा है और तो कुछ भी नहीं ना है आ, तो वही बाईस लड़के फुटबॉल खेल है। रहे हैं अच्छा से मूव मैट दी आई पी एल कॉन्वर्सेशन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ इमेजिन करें एक दुनिया मेरे साथ ठीक है पाकिस्तान इंडिया के जो इकनॉमिक जो पोलिटिकल हालात हैं वो नहीं है ठीक है हमारे क्रिकेटर्स के लिए और हमारी क्रिकेट के लिए सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो कि हमारे क्रिकेटर्स आई खेलें या कि पी जिस तरह आपने कहा पी एस एल विल ऑलवेज भी नंबर टू ठीक है अगर वो आई में खेलें दिल गेट बिगर कॉन्ट्रैक्ट अगर वो आई में खेलें तो दिल प्ले विद दे बेटर प्लेयर्स एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा अगर वो आई खेलें तो शायद उनको एक वो टफ एटमोसफियर खेलने में भी आदत चढ़े वो हम आपके सारे प्लेयर आई पी प्ले एल में ले लेंगे इज दैट बेटर फॉर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान और वर्ष देखिये ऐसा तो सॉरी ऐसा <laughs> तो कभी नहीं होगा कि वो बोलेंगे जी आप पाकिस्तान में कभी नहीं मानेगा पी एस एल खत्म करते हैं तो अब चूंकि बाकी कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो अपनी कंट्रीज़ की लीग खत्म करके तो नहीं आ रहे बिल्कुल अब बिग बैश लीग वाले वो भी खेल के आ रहे हैं सी पी वाले भी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं तो वैसे मैं आपका सवाल ऐसे ले लेता हूं कि अगर सम हाव अलाउ हो जाता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जाते हैं तो ये अच्छा होगा कि नहीं वैसे तो टेक्निकली अच्छा ही होगा क्योंकि पैसा उनको और मिलेगा पैसा भी मिलेगा और बाकी एक्सपोजर की भी बात है ना वोहदाबाद है कि इंडिया आजकल कल स्ट्रगल कर रहा है इंटर आई सी सी में आठ दस साल हो गए नहीं जीते तो लोग वहाँ पे बड़े नाराज और परेशान हैं अपनी टीम से कि इतनी बेस्ट फैसिलिटीज और बेस्ट लीग होने के बावजूद क्यों नहीं जीत पा रहे तो ये एक और भी डिबेट दूसरी तरह खैर चली जाएगी कि बेस्ट फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आप आईसीसी के टाइटल जीतेंगे दस साल हो गए नहीं बिल्कुल अगर आप ये फुटबॉल भी देखें तो द बेस्ट लीग्स डोंट विन द वर्ल्ड लीग ये तो होता है तो आपका जो सवाल था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर अलाउ किया जाए तो वैसे तो अच्छी बात है ज़्यादा बड़े टूर्नामेंट में जाके खेलेंगे फाइनेंशली भी फ़ायदा होगा बाकी एक्सपोजर के भी एतबार से क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बेस्ट प्लेयर्स जाके खेलते हैं तो अक्सर एक डिबेट चलती है मैं ट्विटर सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को जी सपोज़ करो जी अलाउ हो गए तो कौन कौन से जा सकते हैं किन कितने पैसे मिल सकते हैं तो उसमें मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी जो है आ, वो ठीक ठाक कोई महंगा महंगा मतलब, पंद्रह करोड़ आराम से पंद्रह करोड़ मतलब शाहीन मतलब मैं बायस नहीं होना चाह रहा लेकिन शाहीन जैसा बॉलर्स दुनिया में बहुत कम काम है, 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 ए, आ, है नहीं आराम तो सुकून से ये बारह से पंद्रह करोड़ में इंडिया के जो जाते हैं उसमें ये है जाता बाकी शादाब वो बड़ा अच्छा है वो जा सकता है फखर जमान बाबर भी जाएगा उसमें लेकिन शायद इतने ज्यादा पैसे वो ना लेके जाए अब देखें रूट अब वहां पे खेल रहा है लेकिन अभी तक उसको मैच नहीं मिला स्मिथ इस दफा नहीं बिका आईपीएल में तो बाकी हमारा तो जाहिर है कि बाबर बेस्ट और मेन प्लेयर है लेकिन थोड़ा सा टी में स्ट्राइक रेट का हल्का सा मसला रह जाता है सा। ले, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ स्ट्राइक रेट के रिलेटेड ठीक है ये क्योंकि बाबर की बड़ी क्रिटिसिज्म होती है लोग ये कहते हैं कि यार असल वो है देखें मैं कभी लोगों से आर्ग्यूमेंट करता हूँ देखें सिचुएशन भी तो बहुत मैटर करती hmm. है ना सिचुएशन इन दैट पाकिस्तान हिस्टोरिकली आज नहीं लेकिन जब से मैं क्रिकेट देखा नाइनटीज ah. से ठीक ah. है हमारा मिडल ऑर्डर कलेप्स करता है लेकिन करता है ठीक है तो जो बाबर और रिजवान की स्ट्रेटजी अभी मैंने देखा था इसने से जब सेंचुरी मारी है न्यूजीलैंड वाले मैच ah, तो उसमें वो बात कर रहे थे यार मैं और रिजवान हमेशा ये है कहते हैं कि हमने फोर्टी तक करना है पावर hmm. प्ले में कभी कबार 60 तक जाना है अगर हम 60 तक चले गए तो बहुत अच्छा है फोर्टी फिफ्टी करना है फिर उसके बाद जब ऐसे जैसे एक विकेट गिरे दूसरे वाले ने अब बीस ओवर खेलने हैं ये क्योंकि एक ट्रॉमा गुजर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट इतने ऐसे के लिए बाबर से पहले मिसबा ये करता था मिसबा हक से पहले मतलब दिस इज बिन अ रिकरिंग थी कोई एक आधा खड़ा हो जाता था एंड तक जाना अब लोग कहते हैं यार देखो कोहली और बाबर का एग्जाम्पल में एंड कोहली इज द बिगर प्लेयर मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल में अगर आप देना कोहली के साथ क्या चल रहे हैं ना केएल राहुल है ठीक है स्काई है एक टीम है पुराने जमाने की भी युवराज से लेके अब से देव हैड प्लेयर्स इन एन अराउंड विराट कोहली दैट आर वर्ल्ड क्लास शेखर धवन ठीक है अब उन सब के आसपास आपका भी स्ट्राइक देखें आप एक बॉलर को दो छक्के मारे ना तो जब मैं उस पर स्ट्राइक पे, पे आऊंगा ना तो वो वैसे भी डिफ्लेटेड होगा इज मोर लाइकली टू बॉल अ लूसर डिलीवरी फिर एक और बात ये होगी मेरे पे प्रेशर भी उतर गया होगा फिर एक और बात यह ना कि मैं अगर एक इनिंग्स में ना चला नो no प्रॉब्लम मेरे आगे जो आ रहे हैं ना वो मैच जिता देंगे उस इन्वायरमेंट में केयर फ्री क्रिकेट खेलना और बाबर की इन्वायरमेंट में केयर फ्री क्रिकेट बाबर ने जब केयर फ्री जल्दी अपनी विकेट दी है बाबर रिजवान दोनों जब जल्दी आउट होते हैं आप मुझे बताएं हमने कौन से बड़े टोटल किए हैं क्या हुआ है हमारी मिडल ऑर्डर ने आके बहुत मारा हो ऐसे के ऐसे नहीं होता सो इज दैट बाबर फॉल्ट मतलब आई फील लाइक आप बाबर को एक आई टीम में डालें बाबर आए से विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बाद ठीक है <laughs> क्यों क्यों नहीं चल सकता देखिए इसमें दो बातें हैं हुँ. मैं समझता हूँ कि जो से ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है इस चीज़ को लेके लेकिन इसमें किसी हद तक हकीकत भी है अगर तो आप बाबर आज़म को पास्ट के पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे बाबर या रिजवान की जोड़ी पे क्रिटिसिज्म होता है स्ट्राइक रेट को लेके तो फिर तो आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते अहमद शहजाद पचपन साठ मैच टी ट्वेंटी इंटरनेशनल खेल गया एक सौ पंद्रह के स्ट्राइक रेट से अबाबर का एक सौ उनतीस तीस का स्ट्राइक रेट है रिजवान का एक सौ पच्चीस से अट्ठाईस सत्ताईस अट्ठाइस का है अब अहमद शहजाद नाम आता है यार वो तो बोतेस खेलता था लेकिन एक सौ पंद्रह के स्ट्राइक रेट से पचास साठ मैच खेल के गया उमर अकमल एक आता है यार ये बहुत चौके छक्के मारने वाला है लेकिन एक सौ का उसका स्ट्राइक रेट है हफीज़ का भी वन वन ट्वेंटीज में भी नहीं है उसका भी एक सौ पंद्रह अठारह के आसपास है हफीज इतने ज्यादा शुएब मलिक सौ से ज्यादा मैच खेल गया लेकिन उसका भी स्ट्राइक रेट जो है एक सौ बाईस चौबीस पच्चीस का ही है तो इसका क्या मकसद हुआ जो अच्छे 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 खेल के गए हैं पाकिस्तान की तरफ से उनसे भी बेहतर है उनसे तो बेहतर है बेहतर है मसला ये आता है कि जब आप फिर बटलर के साथ कंपैरिजन करते हो व्हाट ही इज़ डूइंग फॉर हिज टीम या आजकल तो रोहित शर्मा जरा इतना अच्छा नहीं खेल रहा इंटरनेशनल में उनके ऊपर के पाँच छः के सब के एक का स्ट्राइक रेट लेकिन देखिए आपने बिल्कुल सही बात की ऊपर के पाँच छः ना हाँ मैं लेकिन अगर ओपनिंग की क्योंकि ये दोनों ओपनर आते हैं ना ठीक है नीचे वालों की बात भी कर लेंगे ये दोनों हमारे ओपनर आते हैं हम ओपनर की ओपनर से बात करें मैं समझता हूँ कि एक का इनमें से एटलीस्ट जो स्ट्राइक रेट है वो 140 को टच करना चाहिए एक 130 से भी खेले अब जब तक अभी आजकल फॉर्म जो है थोड़ी सी नीचे आई थी बाबर आजम की उसकी वजह ये थी कि दोनों मोरलैस एक ही तरह से खेल रहे थे पहले पास्ट में अगर फ़खर जमान खेलता है तो वो जरा थोड़ा प्रेशर रिलीज कर देता है या अपनी शॉट्स खेलता रहता है। और अगर दोनों ही एक से अट्ठाईस एक के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो फिर मसाइल हो जाएंगे दूसरी टीमों में फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं वहां पे अब उन्होंने गुप्टल जैसे बड़े सीनियर खिलाड़ी को न्यूजीलैंड ने बिठा के वर्ल्ड कप में उन्होंने फिन एलन यंग लड़के को मौका दिया था क्यों क्योंकि उन्होंने अभी कित ग्यारह साल के बाद न्यूजीलैंड जीता है ऑस्ट्रेलिया से मैच इन ऑस्ट्रेलिया उसी में उसने ऊपर के तीन ओवरों में पैंतालीस या अड़तालीस रन डाल दिए स्टार्क को हेजलवुड को सबको मारा तो एक आधा ऐसा बैट्समैन हर टीम रख रही है कि ऊपर के जो दायरे के छः ओवर हैं उसको हमने यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से वहाँ पे वो है फिर आप साउथ अफ्रीका में आ जाएं डी कॉक है और उधर भी वार्नर वगैरह ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में ये बटलर वग़ैरह और हर टीम में यानी कि एक आधा उन्होंने रखा हुआ है कि जो तेज़ खेलता पावर प्ले में तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और आ, अभी फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया वाले में हमने अच्छे टोटल डाल दिया था लेकिन हमारी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नीचे नहीं होती अब 10 ओवर 11, 12 ओवर खेल के अब जैसे बाबर आजम ने उस दिन सौ किया ना इस तरह एक्सलरेट करे फिर भी बात ठीक है अगर आप साठ सत्तर करके पचास बावन गेंदों पर चले जाएँगे तो फिर टीम उस पर स्ट्रगल करती है बिल्कुल लेकिन मैं एक बात करूँ देखिए कॉन्टेक्स की बात है ना कॉन्टेक्स मैं आपको देता हूँ <coughs> क्या बाबर आज़म स्लो खेलता है कॉन्टेक्चुअली टू जॉस बटलर यस कॉन्टेक्चुअली टू रोहित शर्मा यस क्या रोहित शर्मा के अराउंड जो चीज़ें हो रही होती हैं वो भी तो कॉन्टेक्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना हमने ये मैंने बड़ा सुना कि यार ये बाबर रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप और कि ये मिडल ऑर्डर चेंजेस हमने अफगानिस्तान को खेला हमने खिलाया ना उन सबको जो पी में आज़म खान खेला साइम मयूब खेला साहमयूब तो अभी भी खेल रहा है हमने खिलाया सारे मोहम्मद आरस को खिलाया ऑल द सो कॉल्ड यंग गन्स जिसने आके परफॉर्म करना था हाउ डिड वी परफॉर्म नथिंग वी डिड नथिंग देखिए मुझे कभी कभी ये लगता है ना बाबर आजम मैं अगर आप दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी गलत है बिकॉज जसप्रीत बुमराह जो है ना इंडिया का बेस्ट बॉलर hmm. है लेकिन वसीम अकरम के वो नेड़े नहीं लगता ना वो hmm. एक अलग डिबेट है उसी तरीके से बाबर आजम सचिन विराट रोहित शर्मा इवन में भी उनके अभी तक नहीं, उस नहीं, लेवल नहीं देखिए अभी आपने अफगानिस्तान की बात की लेकिन मैं समझता हूं कि इस न्यूजीलैंड की टीम जो आजकल पाकिस्तान आई हुई है इससे अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और वो अपने बैकयार्ड में अपने घर में खेल रही थी वहाँ पर वो हिलने नहीं देती दे थी किसी भी टीम को और वो जो कंडीशंस थी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पिछले जो तीन चार मैचेज हुए हैं इंटरनेशनल क्लोज हुए हम कैसे जीते हैं ये आपको भी हाँ, पता है बिल्कुल हारते हारते हम जीते हैं फुल स्ट्रेंथ टीम हमारी 2019 हाँ। का वर्ल्ड कप का मैच इमाद वसीम ने जिता दिया 2018 का एक साउथ अफ्रीका मलिक ने मैच जिता दिया था एशिया कप का फिर वो आसिफ ने तीन चार छक्के मार के मैच जिताया नसीम का भी दो छक्के मार के जिता रहा है और बिल्कुल उस पोजीशन से जहां मैच आपकी ग्रिफ्ट में से निकल चुका था फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान तो वहां पे आप भेज रहे हो अपने यंगस्टर्स को तो वहाँ ना कि वो स्ट्रगल तो होनी थी मैं कहता हूँ फुल स्ट्रेंथ भी पाकिस्तान जाता तो वहाँ पे जिस तरह की कंडीशंस में वो चूंकि उनका होम ग्राउंड है वहीं पे वो खेलते हैं तो वहाँ पे राशिद अब दुनिया का बेहतरीन बॉलर है बिल्कुल अब उसके सामने अब मैं ये कह कहना नहीं चाहता बाबर आजम के फ़ैन जरा थोड़े नाराज़ हो जाएंगे स्टैट्स बहुत ही ए, मामूली से हैं बाबर आजम के नहीं खेल सकता उसके सामने कई बार आउट हुआ हुआ है लेकिन अब आपने कहा कि वो फेल हो गए पाकिस्तानी जो बच्चे गए हुए थे तो मैं कहता हूँ अगर वो बड़े भी जाते तो उनको चैलेंज मिलना था वहाँ पे ये वाली सीरीज़ थी ये न्यूजीलैंड वाली यहाँ पे उनको मौका देना चाहिए था यहाँ पे आप उनको पिंडी वाली पिचेस पे खिलाते रहे हैं ढाई ढाई सौ वाले उस पर तो वहाँ गए हैं तो उनको वो सौ सवा सौ वाली पिचें हैं उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है तो ये बेस्ट था यहाँ पर बहरल बाबर अजम का मैं ख़ुद काफ़ी फ़ैन हूँ बड़ा और आ, पाकिस्तान के लिए आ, मैं समझता हूँ कि पिछले दस साल में आ, उससे बेहतरीन बैट्समैन कोई नहीं आया और अब तो ये भी डिबेट चल रही है जिस रफ्तार से माशाल्लाह आगे जा रहा है तो बेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान भी बन सकता है लेकिन थोड़ा सा वनडे और टेस्ट में तो कोई आस पास भी नहीं है mm. नंबर वन रैंकिंग का बैट्समैन है वनडे में पिछले दो साल से वो mm. जो कि बहुत बड़ी बात है और किसको नीचे करके ऊपर हुआ है विराट कोहली को

वो का प्लेयर नहीं है तीन छक्के हंड्रेड hmm. so तो में, अभी लोग hmm. थे जी, hmm. में hmm. नहीं लिया गया फिर जो डिफेंस में आते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी वो नाम वापस ले लिया गया था रियलिस्टिक होना चाहिए इंसान को बाबर आजम इज एक्स्ट्रा ऑर्डनी बैट्समैन इट कम्स टू स्पेशली वन डे एंड टेस्ट टी में भी शानदार है हल्का सा थोड़ा सा अभी मैं आपको अगर नाम गिनवाऊँ चार पाँच छः सात आठ के इंडिया के ऊपर के पाँच छः के सारे एक सौ चालीस के ऊपर के स्ट्राइक रेट के हैं ऑस्ट्रेलिया के वार्नर उसमें खेलता है और बटलर का स्ट्राइक रेट उससे ऊपर है बाकी ये सब का जो अभी बहुत अच्छा है लेकिन बेस्ट कैटेगरी में आने के लिए 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट ले जाए तो टी में भी अभी तक पाकिस्तान का बेस्ट ही है वो मैंने आपको सबके बता दिए पास्ट में पाकिस्तान का बेस्ट है लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए 140 से ऊपर जाना चाहिए स्ट्राइक स्ट्राइक रेट अदरवाइज ओवरऑल ही इज अमेजिंग बैट्समैन पाकिस्तान लकी है टू हैव और आ, काफी लोग मुझे बोलते हैं है लेकिन जो हकीकत है, आ, वो, तो है। वो है कप्तानी में काम करने की जरूरत है।, तो है कप्तानी में है वो उसको रखनी भी चाहिए वो एक अलहदा डिबेट है उसमें काफी मीडियोकर सा है हालांकि आज आज जब हम बात हैं पता नहीं कब लाइव आएगा तो ही इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टी ट्वेंटी कैप्टन एम एस धोनी उस पर uh, uh. लेकिन फ्लॉज हैं कप्तानी में शायद के ज़रा ठीक हो जाए लेकिन बैटिंग में कमाल का बैट्समैन अच्छा सर आखिरी दो तीन <coughs> आपसे मैं सवाल पूछता हूँ uh, तो ये है कि शुड वी गो टू इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप या वी शुड और अगर वो एशिया कप के लिए ना आए हमें फिर भी जाना चाहिए देखिए मुझे लगता है हमें फिर भी जाना चाहिए क्योंकि ये है एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल वो है आईसीसी का इवेंट वर्ल्ड कप पूरी दुनिया की टीमें आएंगी उसमें और अगर ये अना और ज़िद की इसमें इसको नहीं लेके आना चाहिए अभी मैं नजम सेठी साहब का बयान पढ़ रहा था कि अब हम पी से इतने पैसे जनरेट करते हैं कि अगर हम आई वाले हमें नहीं भी देते या जो वर्ल्ड कप के पैसे तो हमारा किसी तरीके से गुजारा चल जाएगा एक दो साल तो ये बात कहने की हद तक ठीक है लेकिन ऐसे मामला बढ़ते नहीं हैं अब दो में काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा पाकिस्तान ने पहले मना किया एशिया कप जो 2018 में यूएई में हुआ था वो इंडिया ने इंडिया में होना था पाकिस्तान शोड द रिजर्वेशंस hmm. कि नहीं हमें <coughs> ये मसला वो मसला हम नहीं जाएंगे उन्होंने पूरे का पूरा उठा के एशिया कप 2018 में इंडिया ने यूएई में करवाया तो अब अगर वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं आएंगे वैसे सिक्योरिटी वगैरह की कोई वजह नहीं है हमें पता है पॉलिटिक्स के मामलात हैं वो तो ये तो प्योरली है कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है पॉलिटिक्स की बुनियाद पर इंडिया नहीं आ, आ रहा या नहीं आएगा उसमें वो एक्चुअली जय शाह साहब उनके जो बी सी के सेक्रेटरी हैं और वही एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड भी हैं अभी और उनके जो फादर हैं अमित शाह वो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के यानी बीजेपी पार्टी के बड़े क्लोज हैं तो अगर रवाबित ठीक हो गए तो ज़रा एक हार्ड स्टैंड है बीजेपी का पाकिस्तान को लेके तो वो आप लिंक समझ रहे हैं कि अगर उनके साबज़ादे हैं उधर वो मामला अगर ठीक हो गए तो आगे इलेक्शन भी एक दो साल में आने वाले हैं तो वो पोलिटिकली उनको थोड़ा डैमेज कर सकता है तो मुझे नहीं लगता कि वो रिलेशन जो हैं वो ठीक होंगे बाक़ी एशिया कप की अगर बात है ये बातें चल रही हैं कि इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेल ले अगर फाइनल में इंडिया पहुंच जाता है तो फिर फाइनल भी कहीं बाहर हो जाए बाकी पाकिस्तान और बाकी टीमें जो हैं वो यहाँ पे अपने मैच खेलने इस तरह ये काम हो जाए तो चलो देखते हैं इसमें एक्सपेंसिव बढ़ जाएंगे आ, क्या खर्चे होते हैं क्या सिलसिला होता है अभी तक ऐसा आ, चल रहा है ये अपने पॉइंट पर डटे हुए हैं ये भी हक बजाने पर हो जाएंगे जी हमने कहा था हम तो अपने मैचेस यहीं पर खेलेंगे तो ये भी ठीक हो जाएंगे और वो भी कहेंगे जी हमने कहा था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे वहाँ पे अनफॉर्चुनेट है कि बीच में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है होनी नहीं, नहीं चाहिए लेकिन हम एक आइडियल मतलब रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं आइडली तौर पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन अब ऐसा हो रहा है हुँ. तो अगर नहीं भी आता आ, इंडिया तो वी हैव डन द सेम इन टू एक्चुअली अब अगर वो भी उस बात को या कुछ भी बुनियाद बना के वो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला है वी आर टॉकिंग अबाउट आईसीसी वो वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी का इवेंट है hmm. हाँ 2025 में मैं समझता हूँ कि इंडिया भी हर हाल में आएगा पाकिस्तान क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट होगा hmm. तो आना पड़ेगा तब आना पड़ेगा अभी आ, नजम सेठी साहब भी बीच में थोड़ी बातें कर रहे हैं hmm. कि हम भी देखेंगे शायद टीम जाएगी या नहीं जाएगी ये वो तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं होगा टीम जाएगी हमारी वर्ल्ड कप के लिए और कुछ चांस है जीतने का और 2025 में वो भी आएंगे हाँ वो एक अलहदा डिबेट है <laughs> कि चांस चांस है जीतने का चांस देखें जब इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश में रहता है वर्ल्ड कप या कोई का इवेंट चांस होता है तो चांस रहता है पाकिस्तान का पाकिस्तान को आप काौंट, काौंट आउट नहीं कर सकते अभी देखें बाबर आजम की कप्तानी को लेकर डिबेट होती है लेकिन ये भी हकीकत है कि ही बिकेम द वेरी फर्स्ट कैप्टन जिसने इंडिया को हराया पाकिस्तानी कैप्टन उस और आई के इवेंट में पाकिस्तान रिसेंटली जीत नहीं पा रहा लेकिन बहुत क्लोज आ रहा है बिल्कुल फाइनल अभी खेला हमने ये ये भी एक मेरे सवाल है हाँ। आर वी मतलब दो स्कूल्स ऑफ थॉट ठीक है एक ये है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बस वो आखिरी स्टेप तक जाना है एक और स्कूल ऑफ था ये कि हम चोकर से कि हम वहाँ पर जाके ना आखिरी वक्त पर आ जाते हैं दोनों स्कूल ऑफ थाट मतलब था हैं तो टेक्निकली सही आपको क्या लगता है दोनों ही ऐसी चल रही है बात बिल्कुल साथ साथ ही है वो तो खैर हम बचपन से देखते आ रहे हैं हमारी टीम अनप्रडिक्टेबल है हारने पर आए तो किसी से भी हार जाती है जीतने में आए तो किसी से लेकिन ये अच्छी बात नहीं है अब बहुत हो गया अब एक लाइन पकड़ के अच्छी टीम के साथ अब मुकाबला जो है वो अच्छा ही करना चाहिए और इनका ये अच्छी टीम से अच्छा खेल लेते हैं हल्की टीम से हार जाते हैं अनपर्टिकुलर अब जंबावे से हार गए थे वर्ल्ड कप में अंदाज़ा करें बहरहाल आपका जो सवाल था कि पाकिस्तान कैसा करेगा वर्ल्ड कप में इंडिया में तो इंडिया में चांस रहता ही है कि अच्छा करने का या पाकिस्तान में या श्रीलंका में अब यू में हम सेमीफाइनल में पहुँचे थे ऑस्ट्रेलिया में हम फाइनल में पहुँचे तो वो तो ज़रा वहाँ पर कंडीशन भी हमारी फेवर की नहीं होती तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारी ओ की जो टीम है वो भी अच्छी है टी ट्वेंटी की तो अच्छी है ही फिर ओ की और फिर टेस्ट की तो उसमें बॉलर्स हमारे पास अच्छे हैं हमारे पास आ, बीच में कुछ यंगस्टर्स नंबर चार की पोजीशन में रिजवान ज़रा गड़बड़ कर रहे हैं वनडे की बात कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल वो लोग शुरू हो जाते हैं जी ये देखें रिज़वान का लेकिन हर फॉर्मेट मेडल है वो स्ट्रगल कर रहा है नंबर चार पे वो देखना पड़ेगा और या तो इफ्तार को या आगा सलमान को ये बैक कर रहे हैं वनडे में या तो वो अच्छा करें अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है और मैं थोड़ा आ, इस पर बात करना चाहूँगा ये भी तरीकाकार ठीक नहीं है नजम सेठी साहब का कि हर सीरीज़ पे देखेंगे जी कि हम क्या परफॉर्मेंस है बाबर आज़म की और फिर अगर ये जीतेंगे तो कप्तान बनाएंगे फिर आगे तो ये अब चार पाँच महीने के बाद वर्ल्ड कप है तो ऐसा मतलब आपने कहीं देखा है पूरी दुनिया के किसी और बोर्ड में बिल्कुल तलवार लटका के रखी हुई है ऊपर ये माहौल ख़राब करने वाली बातें हैं और ये बिल्कुल फजूल बात है ये जिसने भी उनको मशवरा दिया है वो बात या तो अगर आपको वो नहीं पसंद एज अ कैप्टन तो उसको हटा दो फिर एक एक सीरीज देने का कोई मकसद नहीं है ताकि जिसको आपने मौका देना है उसके पास चार पाँच महीने हों को आगे अपनी मर्जी की टीम बनाए और अब इसको ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है बीच में जो कि अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है टीम की यूनिटी को हटाने की बात की जा रही है

ये उसको बजाय इसके कि ये मज़ीद यूनिटी क्रिएट करें उनमें इस तरह की बातें जो हैं ये डिवाइड कर देते हैं ये तो खैर बच्चे अच्छे हैं क्योंकि आपने इनके मुंह से कोई ऐसी वैसी बातें भी नहीं सुनी होंगी और अच्छी अच्छी बातें करते हैं ज़्यादा तो आपस में यूनिटी है तो नहीं वरना तो अपॉर्चुनिटी के इंतजार में होता है कि कोई कैसे भी हो और कैसे भी वो सिलसिला हो कि मुझे चांस मिले और मैं आगे यहाँ से निकल जाऊँ तो ये है अब इंडिया में आपका जो सवाल था आई होप के अच्छा करेगी पाकिस्तान की टीम दे हैव द पोटेंशियल मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज़ आल्सो वन ऑफ द फेवरेट्स टू रीच एट लीस्ट सेमीफाइनल स्टेज इसमें जो एक दो तो थोड़े से मसाइल वनडे की हमारी जो टीम है वो ज़्यादा ऊपर के तीन तो हमारे सेट हैं बेस्ट हैं इमाम है। फखर बाबर, और बाबर बिल्कुल उसमें तो वो तो सॉलिड पचास पचास की एवरेज साठ बाबर की साठ की एवरेज है बिल्कुल। वो तीन तो इमाम भी बहुत अच्छा है। आ, इमा, क्रिकेट। इमाम बहुत यार, उस भी लोगों ने इमाम वो खेल रहा है और फखर ही ऊपर के जो तीन है वो तो माशा बहुत ही शानदार है अब नंबर चार पे रिजवान को अपनी गेम इम्प्रूव करनी पड़ेगी वो वहां पे स्ट्रगल कर रहा हैं एक आधा बाकी आ, अगर वो ठीक हो जाए ऑलराउंडर कुछ ऐसा हो खैर या स्पिन जो बीच में देखें अब हम लास्ट टाइम गए थे हफीज़ भी बॉलिंग दस दस ओवर हफीज़ ने किए हमारे लिए हफीज़ शुएब मलिक थोड़े से करार शुए था शुएब मलिक करार था आ, लेकिन शुएब मलिक को ये दो हज़ार ग्यारह में नहीं लेके गए थे वर्ल्ड कप में अभी भी ये थोड़ी सी शायद पॉपुलर ओपिनियन ना हो लेकिन

इमाद की काफ़ी डिबेट हो रही है कि अभी वो काफ़ी गुस्से में भी था कि मुझे क्यों नहीं रखा वनडे में एक्चुअली मैंने अपने यूट्यूब चैनल में इमाद का इंटरव्यू किया था मैंने उससे ये सवाल भी पूछा था मैंने कहा जब मीठे मीठे सवाल हो गए थोड़ा सा तर्क सवाल भी है कि आपकी परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क नहीं है वन डेज में अब देखो कैप्टन के लिए बड़ा मसला हो जाता है ना कि एक ऑलराउंडर जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है बीच में उसको वो दो तीन चार ओवर दे और फिर बॉलिंग इतनी बुरी हुई हो कि फिर बाकी उसके पाँच छः ओवर हैं वो परेशान हो जाए कि आप मैं किससे पूरे करवाऊँ तो ये मसला है इमाद दस ओवर नहीं करता टी ट्वेंटी के चार ओवर की और बात है पावर प्ले में अच्छा है लाइन और लेंथ अच्छी रखता है एकदम से गेंद पढ़ के इसका अंदर आता है बैट्समैनों के लिए मुश्किल होता है बैट्समैन दे आर लुकिंग टू स्कोर रन विकेट मिलती है पचास ओवर की क्रिकेट में यू नीड टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी तो बॉलिंग में ज़रा थोड़ी सी मार खाता है वरना बैटिंग में तो बहुत शानदार है तो अगर तो कुछ ऐसे मैदान हो जिसमें पिच ऐसी है तो दो स्पिनर्स भी खेले जा सकते हैं वरना आइडियल ये है कि एक शादाब शादाब और एक पार्ट -टाइमर।, पार टाइमर हो बीच में और अगर तो पिच है तो फिर एक और की गुंजाइश हो सकती है लेफ्ट आर्म नवाज़ इज़ गुड इमाद इज़ गुड बोथ आर गुड लेकिन अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर है कि पेसर्स हमारे पास अच्छे हैं तो दे वुड बी डूइंग दे शुड बी डूइंग गुड जॉब चले सर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट आखिरी एक सवाल रैपिड फायर के किसम का क्वेश्चन अगर गन टू हेड रखो आपके uh -huh. और मैं बोलूँ कि एक बंदे को आपने भेजना है आखिरी बॉल पर छक्का मारने के लिए मैच जिताने के लिए एक इंटरनेशनल yeah. और एक पाकिस्तानी हु वुड यू सेंड आखिरी गेंद पर छक्का मारने के लिए पाकिस्तानी पास्ट के या अभी जो खेल ऑल टाइम एवर शायद ही आ, शायद शाहिद या प्रॉब्ली अब्दुल रजाक ही वाज ही वाज अमेजिंग ही वाज अमेजिंग टू अब करंट वालों में जो आजकल खेल रहे हैं पावर हिटिंग का बड़ा मसला की टीम में है। पावर हिटिंग बहुत वसीम <laughs> पता है क्यों और मारते आ, नहीं चेक में तो काफ़ी आजकल का तो मसला हमारा पावर हेटिंग का लेकिन फिर भी आजकल जिस तरह खेल रहा है शायद इफ्तिखार मैं भी वो अच्छा अच्छा वैसे छक्का मार ले आज बॉल एक बारह रन <laughs> बना <एक बाल। laughs> लेता है <laughs> वो हवा में भी कैच खड़े होते हैं अच्छा ना वो तो हो सकता है वो बाकी अगर इंटरनेशनल आप देखें तो प्रॉब्ली शॉर्ट बॉल पर रोहित शर्मा वैसे Butler. Butler is amazing nowadays. Mm -hmm. Butler, जो है वो बहुत अच्छा। मुझे लेकिन अगर हो ना जिस तरह लाइफ ऑन द लाइन है तो मैं बेन स्टोक्स में वो mentality, वो चक्के कम मारता है आ, लेकिन जब मारनी होती है, है ना तो वो बहुत ज़रूरी है। वो भी काफी अच्छा है उसमें mm -hmm. है ben Stokes भी। mm तो हाँ मैन स्ट्रोक्स भी हो सकता है uh, बस चॉइस है अपनी अपनी चलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द पॉडकास्ट यार बड़ा मजा आया बिल्कुल सेम ही है थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट